सब्सक्राइब करें राव नर्सिंग एकेडमी चैनल को और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई नई वीडियो डले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल राव नर्सिंग एकेडमी चैनल। दोस्तों एक बार आपका अपने राव नर्सिंग एकेडमी चैनल स्वागत है और आज एक बैक टू बैक वीडियो के साथ हाजिर है दोस्तों। और आज का टॉपिक रहने वाला है रिव्यू ऑफ ऑनकोलॉजिकल नर्सिंग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे घंटे को भी दबा लीजिए ताकि कोई नया नोटिफिकेशन है आपको तुरंत समय पर मिल जाए। दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे और वीडियो को कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑनकोलॉजी नर्सिंग। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं आज के में और 40 क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहे वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक रिव्यू ऑफ ऑनकोलॉजिकल नर्सिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ए क्लाइंट being treated for advanced breast cancer with chemotherapy reports that she must be allergic to one of the her drugs because her entire face is swollen. What assessment does the nurse perform? Option A, ask whether the client has other known allergies. Option B, checks the capillary refills on fingernails bilaterally. Option C, examines the client's neck and chest for edema and angles veins. Option D, compares blood pressure measured in right arm with that in left arm. तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि एक लेडी है जिसके जो ब्रेस्ट कैंसर है विद कीमोथेरेपी रिपोर्ट है, एलर्जिक है और उसका जो फेस है वो सोलन है, तो नर्स को क्या असेसमेंट कर परफॉर्म करना चाहिए? प्लीज गैस करें आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एग्जामिन्स द नेक क्लाइंट्स नेक एंड चेस्ट फॉर एडिमा एंड एनगोज वेन्स। व्हाई सी इज द राइट आंसर मैं आपको रेशनली भी बता देता हूं, क्योंकि जिस लेडी की कीमोथेरेपी ड्रग चल रही है और वो एलर्जिक रहती है किसी पर्टिकुलर कीमोथेरेपेटिक एजेंट से, तो उसमें चांसेस रहते हैं सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम होने के। उसमें क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक होने की वजह से वेनस रिटर्न प्रॉपर नहीं चलता, उसकी वजह से फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वेरी नाइस क्वेश्चन, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। द नर्स इज गिविंग ए ग्रुप प्रेजेंटेशन ऑन कैंसर प्रिवेंशन एंड रिकॉग्निशन विच स्टेटमेंट बाय एन ओल्डर एडल्ट क्लाइंट इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्स इंस्ट्रक्शन। दोस्तों टोटल प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है और एम्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे। एक नर्स है जो कि कैंसर प्रिवेंशन पे ग्रुप प्रेजेंटेशन दे रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नर्स इंस्ट्रक्शन, कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि क्लाइंट अंडरस्टूड है जो नर्स ने इंस्ट्रक्शन दिया उससे? ऑप्शन ए, सिगरेट स्मोकिंग ऑलवेज कॉजेज लंग कैंसर। ऑप्शन बी, टेकिंग मल्टीविटामिन्स
will prevent me from developing cancer? Option C, if I have only one shot of whiskey a day, I probably will not develop cancer. No. And the last, I need to report the pain going down. Going down my legs to my healthcare provider. So please guess kare answer. तो यहाँ पे गैस करो और कमेंट करो. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी. अब आप में से बोलोगे ऑप्शन डी कैसे हो गया भाई, ऑप्शन ए भी तो हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग ऑलवेज कॉजेज लंग कैंसर. बट यहाँ पे ये भी एक सिम्टम है प्रोस्टेट कैंसर का ओल्डर एडल्ट्स में. जो पेन होता है वो डाउन लेग में जाता है प्रोस्टेट कैंसर केस में. तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर. मल्टीविटामिन्स कभी कैंसर डेवलप होने से बचाता है? नो. तो ये गलत हो गया. विस्की नो. सिगरेट स्मोकिंग ऑलवेज यस. बट यहाँ पे प्रायोरिटी क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. द क्लाइंट हैज डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर. टू विच एरियाज डज द नर्स एंटिसिपेट दैट दिस क्लाइंट्स ट्यूमर में मेटास्टेसाइज. तो यहाँ पे साइट ऑफ मेटास्टेसिस की पूछा है. मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है. ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी लिम्फ नोड्स, ऑप्शन डी किडनीज एंड ऑप्शन ई लीवर. एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बंदा है जिसके कि लंग कैंसर है, तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी कि कहाँ कहाँ पे मेटास्टेसाइज कर सकता है लंग कैंसर का ट्यूमर. तो गैस करो और कमेंट करो. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सी एंड ई. These are most common site of metastasis in case of lung cancer. Remember दोस्तों, अगर lung cancer की metastasis पूछे तो अगर brain है first priority brain को देंगे, then lymph node, then liver. अगले question की तरफ बढ़ते हैं. Question number 4, again very important question. The nurse Gita suspects metastasis from left breast cancer to thoracic spine when the client has which symptom? Option A, vomiting. Option B, back cancer. Option C, frequent urination. Option D, cyanosis of towel. भाई नर्स गीता है जो सस्पेक्ट करती है metastasis from left breast cancer to thoracic spine. तो साइन सिम्टम मेन क्या होगा, प्लीज गैस करें एंड कमेंट करें. और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन बी को तो आप एकदम सही हो. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला. तो वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत स्पेशल है और ऑन्कोलॉजी पोर्शन से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. वीडियो के एंड तक बने रहे. प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गए आपको तो ऑन्कोलॉजी आपको टिप्स पे हो जाने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट क्लाइंट विद डाउन सिंड्रोम हु रिपोर्ट्स फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. विच टाइप ऑफ कैंसर हैज बीन आइडेंटिफाइड इन क्लाइंट विद डाउन सिंड्रोम. तो भाई यहाँ पे ऑप्शन ए है ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी कोलोरेक्टल कैंसर, ऑप्शन सी मेलिग्नेंट मेलेनोमा, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया. तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं. नर्स केयरिंग कर रही है क्लाइंट, एडल्ट क्लाइंट को जिसके कि डाउन सिंड्रोम है, हु रिपोर्ट्स फटीक, जिसको कि फटीक थकान हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रहा है. तो विच टाइप ऑफ कैंसर हैज बीन आइडेंटिफाइड इन क्लाइंट विद डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम हो रखा है उसमें कौन सी कैंसर को आइडेंटिफाई की गई है, प्लीज गैस करें. एंड द राइट आंसर इज, प्लीज कमेंट करें आंसर. देखता हूं आप में से कितना सही जवाब देते हैं.
मैं आपको 4 सेकंड देता हूं एंड द राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द क्लाइंट विद डाउन सिंड्रोम और अगर फटीग भी हो रहा है सॉरनेस भी हो रहा है तो मींस ल्यूकेमिया इज देयर। ल्यूकेमिया में क्या होता है प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द होम हेल्थ आरएन इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट एंड टेक साइक्लोस्पोरिन सैंडिमून एंड प्रेडनिसोन डेल्टासोन टू प्रिवेंट रिजेक्शन विच असेसमेंट डाटा वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट टू ट्रांसप्लांट टीम। ऑप्शन ए द टेम्परेचर इज 96.6 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन बी द क्लाइंट रिपोर्ट ज्वाइंट पेन। ऑप्शन सी ओरल मुक्यूजा अपीयर पिंक एंड ड्राई। ऑप्शन डी लंप इज पाल्पेबल इन क्लाइंट्स एक्जिला। तो क्वेश्चन समझे एक बार रजिस्टर्ड आरएन है जो कि केयरिंग कर रहे क्लाइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट वाले केस को नर्स केयरिंग कर रही है और प्रेडनिसोन चल रहा है साइक्लोस्पोरिन भी चल रहा है रिजेक्शन रोकने के लिए। तो कौन सा असेसमेंट डाटा है जो कि कम्युनिकेट करना चाहिए नर्स को तो यहां पे कमेंट करें आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द ओरल म्यूकोजा अपीयर्स पिंक एंड ड्राई। भाई सी हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि जो रेनल ट्रांसप्लांट केस होता है उसमें बंदे को हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। जो किडनी ट्रांसप्लांट का केस होता है उसमें रेनल ट्रांसप्लांट केस में हाइजीन प्लस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्केलेटल मेटास्टेसिस इन कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज ऑप्शन ए पेल्विस ऑप्शन बी स्कल ऑप्शन सी लंबा वर्टिब्रा ऑप्शन डी थोरेसिक वर्टिब्रा। यहां पे स्पेशली इंडिकेट करके पूछा है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्केलेटल मेटास्टेसिस क्या होता है इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के केस में स्केलेटल साइट कौन सी होगी क्योंकि स्केलेटल में भी भाई थोरेसिक होता है लंबा होता है सर्वाइकल होता है तो इसमें कौन सा राइट है प्लीज कमेंट करें। आपको 3 सेकंड के अंदर आंसर बता देखते हैं कितना सही दे पाते हैं आप में से जवाब कितना आप में से पढ़ते हैं कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन डी को तो एकदम सही हो थोरेसिक वर्टिब्रा इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्केलेटल मेटास्टेसिस इन कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 A patient who has underwent a bone marrow transplant is at most risk for what? Option A, bleeding and infection. Option B, congestive heart failure. Option C, liver failure. And option D, HIV. So, यहाँ पे क्वेश्चन समझे एक क्लाइंट है जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसमें कौन किस चीज की रिस्क ज्यादा रहती है कमेंट करें आंसर। आई थिंक ये सभी कमेंट कर सकते हैं इजीली। तो अगर आपने गैस किया दोस्तों ऑप्शन ए को तो आप एकदम सही हो क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जिस बंदे का उसको रिस्क होता है इन्फेक्शन का और ब्लीडिंग का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फॉर कंपैरिजन ग्रेडिंग ऑफ पेन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज। ऑप्शन ए एस स्केल ऑप्शन बी जीओपी स्केल ऑप्शन सी न्यूमेरिकल चार्ट्स ऑप्शन डी विजुअल स्केल प्लीज कमेंट करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी
is found in which of the following? Option A, pregnancy at uterus. Option B, cardiac muscle in cardiomegaly. Option C, skeletal muscle in athlete. Option D, breast development in puberty. So please guess kare. Both hyperplasia and hypertrophy kisme hota hai? So the right answer is option A, pregnancy uterus. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों. मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा. भाई मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ क्रैनियल पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा क्या होता है? ऑप्शन ए ग्लियोमा, ग्लियोमा. ऑप्शन बी मेडुलोब्लास्टोमा. ऑप्शन सी मेनिंजियोमा. ऑप्शन डी ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा. तो कमेंट करें, आपके पास 3 सेकंड है, आप देखते हैं आप में से कौन सही जवाब देता है. तो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ग्लियोमा. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन. आपके अगर यहां से पढ़ लिया सारे क्वेश्चन को एंड तक देख लिया तो आपको ऑन्कोलॉजी में से तो एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 12 है, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस इज सीन विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए लाइपोसार्कोमा. ऑप्शन बी न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा. ऑप्शन सी हिस्टियोसाइटोमा. ऑप्शन डी एंजियोसार्कोमा. दोस्तों एक 5 स्टार देने लायक क्वेश्चन है और आप में से देखते हैं कितने सही जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन का. लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कौन सी कैंसर में देखा जाता है कमेंट करके बताएं. 3 सेकंड में मैं जवाब देता हूं उसका. और अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन डी को तो आप एकदम सही हो. इन एंजियोसार्कोमा लिम्फ नोड मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली सीन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. कॉमनेस्ट कैंसर इन विच मेटास्टेसिस सीन इन द ब्रेन. ऑप्शन ए ब्रेस्ट. ऑप्शन बी लंग कैंसर. ऑप्शन सी किडनी. ऑप्शन डी लीवर. तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो पहले भी रिपीट हो चुका है तो आई थिंक आप में से तुरंत जवाब दे देंगे. तो कमेंट करें भाई ब्रेन में मेटास्टेसिस कौन से कैंसर के केस में होती, कमेंट करके बताओ. एंड द राइट आंसर अगर आपने माना है ऑप्शन बी को तो आप एकदम सही हो क्योंकि ब्रेन इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन द केस ऑफ लंग कैंसर. सो बी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. रिमेंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, द रेडिएशन कैन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर. रेडिएशन कौन सी कैंसर कॉज करती है आपको कमेंट करके बताना है. ऑप्शन ए नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. ऑप्शन बी हॉजकिन लिम्फोमा. ऑप्शन सी एक्यूट ल्यूकेमिया. ऑप्शन डी पेपिलरी कार्सिनोमा एंड थायरॉइड इंटेस्टाइन. सो कमेंट करें रेडिएशन कौन सी कैंसर कॉज करता है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेडिएशन कैन कॉज एक्यूट ल्यूकेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. वेरी नाइस क्वेश्चन. कार्सिनोमा ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइट्स मेटास्टेसाइज टू वर्टिब्रल कॉलम एक्सेप्ट. कोई भी क्वेश्चन है, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन ए ब्रेस्ट. ऑप्शन बी ब्रोंकस. ऑप्शन सी प्रोस्टेट. ऑप्शन डी ईसोफेगस. प्लीज कमेंट करें. सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम में एक्सेप्ट पूछा है. सो डी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. वेरी नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन है 16, रेडियोथेरेपी इज नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए कैंसर इसोफेगस. ऑप्शन बी कैंसर सर्विक्स. ऑप्शन सी कैंसर स्टोमक. ऑप्शन डी ब्रेन ट्यूमर. तो रेडियोथेरेपी इनमें से कौन सी कैंसर में यूज नहीं करते, नहीं की जाती.
कमेंट करें, और अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन सी को तो आप एकदम सही हो दोस्तों। इन कैंसर ऑफ स्टमक द रेडियोथेरेपी इज नॉट यूज, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम्स ओरिएंटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, दिखने में सिंपल है बट 5 स्टार देने वाले क्वेश्चन दोस्तों। कैपोसी सार्कोमा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए HHV5, ऑप्शन बी HHV HHV5, ऑप्शन सी HHV7, ऑप्शन डी HHV8। तो गैस करें और कमेंट करें, देखते हैं आप में से कौन सही जवाब देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन, अगर आपने डी माना है तो एकदम सही हो, कैपोसी सार्कोमा इज कॉज्ड बाय HHV8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो में एंड तक बने रहे, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें, सोशल ग्रुप्स में सभी में शेयर कर दें, वीडियो को फैला दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18, हाइपर कैराटोसिस ऑफ पाम एंड सोल इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए कार्सिनोमा कोलन, ऑप्शन बी हेपेटोमा, ऑप्शन सी एडेनो कार्सिनोमा ऑफ लंग, ऑप्शन डी कैंसर ईसोफेगस। सो हाइपर कैराटोसिस ऑफ पाम एंड सोल इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लीज गैस करें एंड कमेंट करें, एंड अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन डी को तो आप एकदम सही हो, बिकॉज हाइपर कैराटोसिस ऑफ पाम एंड सोल सीन इन ईसोफेगस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, सो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड एमएसएस इज, ऑप्शन ए मेटाक्लोप्रोमाइड, ऑप्शन बी डोमपेरिडोन, ऑप्शन सी ओंडेंसेट्रोन, ऑप्शन डी ऑक्ट्रियोटाइड। तो यहां पे कंफ्यूजन रहता है अक्सर ए और सी के बीच में, तो आपको जज करना है और जज करके आंसर देना है, तो कमेंट करें दोस्तों, देखते हैं आप में से कौन सही जवाब देता, आप में से कितना मेटाक्लोप्रोमाइड बोलते हैं और कितना ओंडेंसेट्रोन बोलते हैं। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं दोस्तों, कौन सही देता जवाब। सो आपका समय समाप्त हुआ और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रैबडोस मायोसार्कोमा, रेबडो मायोसार्कोमा की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इन चिल्ड्रन, ऑप्शन ए जेनाइटो यूरिनरी एरिया, ऑप्शन बी हेड एंड नेक रीजन, ऑप्शन सी ट्रंक, ऑप्शन डी एक्सट्रीमिटीज। तो प्लीज गैस करें एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर, प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स, अभी लाइव चल रहा है दोस्तों, कमेंट करें और अपने नॉलेज को भी चेक करें साथ में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हेड एंड नेक रीजन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रेबडोमायोसार्कोमा इज हेड एंड नेक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, 5 स्टार देने लाइक क्वेश्चन है। कीमोथेरेपी इज यूजफुल इन ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए इविंग सार्कोमा, ऑप्शन बी जर्म सेल ट्यूमर, ऑप्शन सी सेकेंडरीज, ऑप्शन डी कार्सिनोमा सर्विक्स। सो द राइट आंसर इज
इविंग सार्कोमा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ सिस प्लेटिनम इन ए क्लाइंट यूजिंग इट फॉर इसोफेजियल कार्सिनोमा। तो आपका एक ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा, इसोफेजियल कार्सिनोमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, सिस प्लेटिनम। रिमेम्बर दोस्तों, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट भी पूछा है, क्वेश्चन है साइड इफेक्ट। तो ऑप्शन ए है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी हेपेटिक फेलियर, ऑप्शन डी कार्डियोमायोपैथी। सो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, गैस करें आंसर एंड कमेंट करें। 3 सेकंड है दोस्तों, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर राइट गिविंग राइट आंसर और नॉट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है, एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट विद कैंसर प्रेजेंट्स विद सेकेंडरी टू एड्रेनल्स, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी इज। देखो घुमा दिया क्वेश्चन को तो कंफ्यूज ना होइएगा। एक क्लाइंट विद कैंसर प्रेजेंट विद सेकेंडरी टू एड्रेनल्स, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी इज, ऑप्शन ए लंग, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेस्ट, ऑप्शन डी स्टोमक। तो प्लीज गेस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ए नर्स सीमा केयरिंग ए क्लाइंट विद कार्सिनोइड ट्यूमर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम द नर्स शुड बी अलर्ट टू मॉनिटर। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए विजिंग, ऑप्शन बी फ्लशिंग, ऑप्शन सी साइनोसिस, ऑप्शन डी क्लबिंग, ऑप्शन ई डायरिया। सो यहां पे बात की जा रही है कार्सिनोइड ट्यूमर की, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ई, फ्लशिंग एंड डायरिया बोथ आर द राइट आंसर, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यू आर टीचिंग ए ग्रुप ऑफ न्यू नर्स ग्रेजुएट्स हायर्ड ऑन योर ऑनकोलॉजी यूनिट्स अबाउट ऑनकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, विच स्टेटमेंट बाय ए नर्सिंग ग्रेजुएट अबाउट होजकिन डिजीज रिक्वायर री एजुकेशन। भाई लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा समझें। कौन सा स्टेटमेंट है नर्सिंग ग्रेजुएट के द्वारा दिया गया अबाउट होजकिन डिजीज रिक्वायर री एजुकेशन, मतलब री एजुकेशन देखते। ऑप्शन ए द डिजीज ऑलवेज प्रेजेंट विद हॉर्मोन साइन ऑफ बोन पेन इन द रिब्स स्पाइन एंड पेल्विस, ऑप्शन बी द रीड स्टेनबर्ग सेल्स आर प्रेजेंट इन द नोड्स, ऑप्शन सी ए पॉजिटिव सीटी स्कैन ऑफ लीवर एंड स्प्लीन प्रेजेंट्स, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड विद सर्वाइकल नोड्स मोस्ट ऑफन अफेक्ट। प्लीज गेस करें एंड यहां पे राइट आंसर हो जाता है, कमेंट करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब भाई ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसलिए री एजुकेशन रिक्वायर, क्योंकि ये साइन सिम्टम बोन पेन ऑफ पेन इन द रिब्स स्पाइन एंड पेल्विस आर द मेन साइन सिम्टम ऑफ विच डिजीज, मल्टीपल मायलोमा। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे क्लाइंट को री एजुकेशन की जरूरत है एंड अदर थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट, दिस स्टेटमेंट बाय क्लाइंट इज रॉन्ग बिकॉज पेन इन द बोन्स रिब्स स्पाइन्स एंड पेल्विस आर सीन इन द केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा. सो ए इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी और डी भी था थोड़ा जल्दबाजी में. ऑप्शन सी था पॉजिटिव सीटी स्कैन ऑफ लीवर एंड स्प्लीन प्रेजेंट्स. ऑप्शन डी पॉजिटिव बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड विद सर्वाइकल नोड. मोस्ट ऑफन अफेक्ट. दोस्तों थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो लेंथी हो जाएगा. अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. एज एन ऑनकोलॉजिकल नर्स यू नो व्हाट फाइंडिंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर. ऑप्शन ए मासेस आर यूजुअली फेल्ट इन अपर आउटर क्वाड्रेंट व्हेन द निपल एंड एक्जिला. ऑप्शन बी वुमेन हू हैव हैड ए लेट मेनार्की एंड अर्ली मेनोपॉज आर एट रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर. ऑप्शन सी निपल रिट्रैक्शन इज नेवर प्रेजेंट. ऑप्शन डी द मास इज टिपिकली पेनफुल एंड रेड. तो यहाँ पे पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग एज ए ऑनकोलॉजिकल नर्स कौन सा स्टेटमेंट निम्न से सही है. गेस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज इन ब्रेस्ट कैंसर द मासेज आर यूजुअली फेल्ट इन अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट देन एट द नेपल एंड एक्जिला. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन ए बेसल सेल कार्सिनोमा. ऑप्शन बी मेलानोमा. ऑप्शन सी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. ऑप्शन डी स्मॉल सेल कार्सिनोमा. सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर आपको बताना है कमेंट करके. और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले. तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर इज बेसल सेल कार्सिनोमा. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. ए पेशेंट हैज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइव स्टार देन लाइक क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है. ए पेशेंट हैज एन इलेक्ट्रोडेसिकेशन एंड कर्टेज ईडीसी परफॉर्म टू रिमूव ए स्किन कैंसर लीजन. हाउ विल द नर्स एजुकेट द पेशेंट ऑन हाउ टू केयर फॉर द सर्जिकल साइट. ऑप्शन ए अप्लाई ड्राई एंड स्टेराइल गेज विद नॉन स्टिक बैंडेज. मतलब कि ईडीसी होने वाली है एक बंदे की तो नर्स कैसे बताएगी केयरिंग के रिगार्डिंग क्लाइंट को. फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई ड्राई स्टेराइल गेज विद अ नॉन स्टिक बैंडेज. ऑप्शन बी अप्लाई ए सेलाइन स्टेराइल गेज विद बैंडेज. ऑप्शन सी अप्लाई पेट्रोलियम जेली टू द साइट विद अ नॉन स्टिक बैंडेज. एंड ऑप्शन डी allow the site to stay open to air. So please guess करें. So electrodesiccation of skin lesion को हटाया गया है तो कौन सी caring best answer होगा. So C is the most appropriate answer. Apply petroleum jelly to the site with a non-stick bandage. अगर electrodesiccation of स्किन कैंसर लीजन हो रहा है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अप्लाई पेट्रोलियम जेली टू साइट विद नॉन स्टिक बैंडेज. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. वेरी इंपॉर्टेंट. विच प्रिकॉशन इज मोस्ट
which precaution is most important for the nurse to teach a client receiving radiation therapy for head and neck cancer? Option A, avoid eating and red meat during treatment. Option B, test your leisure activity to prevent fatigue. Option C, see your dentist twice yearly for the rest of your life. Option D, avoid using headphones or headsets until your hair grows back. So यहाँ पे important precaution है जो कि नर्स को टीच करना चाहिए क्लाइंट जो कि रेडिएशन थेरेपी रिसीव की है फॉर हेड एंड नेक कैंसर, तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, प्लीज गेस करें एंड कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें, देखते कौन सही जवाब देता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सी योर डेंटिस्ट ट्वाइस ईयरली फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Because the client, in a client receiving radiation therapy, the most common side effects are seen related to mouth, dry mouth, so hygiene important होता है यहाँ पे तो infection को रोकने के लिए, so C is the right answer। अगले question तरफ बढ़ते हैं, question number 30। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फाइव स्टार देने लायक क्वेश्चन है। व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद कैटेक्सिया द नर्स एक्सपेक्ट्स टू नोट विच सिम्टम, ऑप्शन ए वेट लॉस, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ब्लीडिंग टेंडेंसी, ऑप्शन डी मोटर डेफिशिएंसी। भाई एक क्लाइंट है जो कि कैटेक्सिया से सफर कर रहा है, नर्स उसकी केयर कर रही है, तो कौन सा सिम्टम नर्स एक्सपेक्ट कर सकती है क्लाइंट के अंदर, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं आप में से कौन सही जवाब देता है, और अगर आपने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आज की अमेजिंग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेट लॉस। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टीचिंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट विद कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी टीचिंग इनमें से क्लाइंट विद कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बाथ इन कोल्ड वाटर, ऑप्शन बी वियर कॉटन ग्लव्स व्हेन कुकिंग, ऑप्शन सी कंज्यूम ए हाई डाइट फाइबर, कंज्यूम ए डाइट हाई इन फाइबर, फाइबर इज डाइट लेनी है, ऑप्शन डी मेक श्योर शूज आर स्नग। सो यहाँ पे देख लेते, ऑप्शन ए नो गलत है, कोल्ड वाटर बाथ इज नॉट नर्सिंग इंटरवेंशन, एप्रोप्रिएट नहीं है। वियर कॉटन ग्लव्स नो बिकॉज इट कैन कॉज फायर, सो ऑप्शन सी द राइट आंसर, कंज्यूम डाइट हाई इन फाइबर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वेरी नाइस क्वेश्चन, विच मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑनकोलॉजिकल इमरजेंसी रिक्वायर्स द नर्स to contact the health care provider immediately, option A new onset of fatigue, option B edema of arms and hands, option C dry cough, option D weight gain। तो यहाँ पे वर्क क्वेश्चन समझ लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों पूछा है कौन सी मैनिफेस्टेशन ऑनकोलॉजिक इमरजेंसी जो कि नर्स को तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को
इन्फॉर्म करना है. न्यू ऑनसेट ऑफ फैटिक नो. एडिमा ऑफ आर्म्स यस. सो बी इज द राइट आंसर. ड्राइव अप नो. वेट गेन नो. यहाँ पे एडिमा ऑफ आर्म्स एंड हैंड सिप क्यों होगा राइट आंसर, कमेंट करें. बिकॉज जो ऑनकोलॉजिकल इमरजेंसी कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है जो कि कैन कोज कर, कौन सा सिंड्रोम कैन कोज कर सकता है, उसको बोलते हैं वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम. उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेनस रिटर्न है पुअर हो जाता है और ब्लड सप्लाई पुअर होने की वजह से एडिमा हो जाता है बॉडी के अंदर. सो बी इज द राइट आंसर. वेनस रिटर्न पुअर होने की वजह से सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, मतलब उसकी वजह से मेनली जो एडिमा देखा जाता है यहाँ पे अराउंड द आईज, एंकल्स, हैंड्स, आर्म्स, मेनली एक्सट्रीमिटीज के ऊपर देखा जाता है दोस्तों. तो क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. ए 33 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज विद स्टेज सेकेंड सर्वाइकल कैंसर. द नर्स वुड अंडरस्टैंड दैट द पेशेंट कैंसर इज. ऑप्शन ए इज इन इंसिटू. ऑप्शन बी हैज मेटास्टेसाइज. ऑप्शन सी हैज सेपरेट लोकली. ऑप्शन डी हैज सेपरेट एक्सटेंसिवली. सो भाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लेना क्वेश्चन और समझ भी लेना और कमेंट करो अगर आप में से किसी को आता है तो, फिर मैं बताता हूँ आपको पूरी डिटेल में. सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, स्टेज सेकंड के बारे में पूछा है तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. अब मैं बता देता हूँ जीरो स्टेज होती है उसको बोलते हैं इंसिटू, उसके बाद सेकंड स्टेज होती है वो होती है लोकली, थर्ड स्टेज होती है मेटास्टेसाइज, फोर्थ स्टेज होती है वो होती है डिफरेंट मेटास्टेसाइज टू डिफरेंट ऑर्गन, और जो लास्ट स्टेज फिफ्थ स्टेज होती है एक्सटेंसिवली सेपरेट हो जाता है. ओके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं. वेरी नाइस क्वेश्चन. विच प्रिकॉशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नर्स टू टीच ए क्लाइंट विद ल्यूकेमिया टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन बाय ऑटो कंटेमिनेशन. ऑप्शन ए टेक एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब. ऑप्शन बी परफॉर्म माउथ केयर 3 times a day. ऑप्शन सी अवॉइड द यूज ऑफ पेपर एंड रॉ फूड्स. ऑप्शन डी रिपोर्ट एनी बर्निंग एंड यूरिनेशन इमीडिएटली. प्लीज गेस करें. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी परफॉर्म माउथ केयर 3 times a day. सो भाई यहाँ पे आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. तो यहाँ पे ऑटो कंटेमिनेशन बस एक वर्ड को पकड़ना है, ये अगर आपने नहीं पकड़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ल्यूकेमिया ये तो सभी पता है, ल्यूकेमिया के बारे में नर्स को टीच कर दें. तो ऑटो कंटेमिनेशन प्रिवेंट एन इन्फेक्शन बाय ऑटो कंटेमिनेशन, मतलब कि सेल्फ, मतलब ये समझ लो कि भाई पुअर हाइजीन के कारण अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो उसको भी हम ऑटो कंटेमिनेशन, हम खुद ही तो बढ़ा रहे हैं उस इन्फेक्शन को. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परफॉर्म माउथ केयर 3 times daily. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36. अगेन वेरी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन दोस्तों, बहुत गजब क्वेश्चन है, गजब. विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू परफॉर्म फॉर द क्लाइंट रिसीविंग 1 unit ऑफ पैक्ड आरबीसी फ्रॉम एन ऑटोलोगस डोनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है.
फाइव स्टार देने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं पूरे डिटेल में। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑप्शन डी आईवी साइट फॉर हाइव्स। तो भाई यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं दोबारा से, कौन सा असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए। टू परफॉर्म द क्लाइंट रिसीव वन यूनिट ऑफ आरबीसी फ्रॉम एन ऑटोलोगस डोनेशन। तो यहाँ पे जो बंदा ऑटोलोगस डोनेशन का मीनिंग समझ गया तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन सही करेगा, और जिसको कंफ्यूजन है उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो भाई ऑटोलोगस डोनेशन मींस खुद का ही जो ब्लड कंपोनेंट्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन करवाना खुद की बॉडी के अंदर, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो असेस करना चाहिए वो करना चाहिए टेम्परेचर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज अगर टेम्परेचर इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लड कंपोनेंट, जो स्टोरेज एक एक्यूरेट लेवल होता है, अप्रोक्सीमेट लेवल होता है ब्लड स्टोरेज के लिए, वो लेवल नहीं है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो टेम्परेचर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन और टू असेस व्हाइल ऑटोलोगस डोनेशन इज परफॉर्म। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, अगेन वेरी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो जितने स्टार दे उतना ही कम है दोस्तों। एक क्लाइंट हैड टीओआरपी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यस्टरडे, द स्टाफ नर्स नोट्स दैट हीमोग्लोबिन इज 8.2 ग्राम पर डीएल, व्हाट इज द नर्स बेस्ट एक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए क्वेश्चन ढंग से समझ लिया आपने, एक क्लाइंट है जो कि ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन टीओआरपी होना है, ये हुआ था यस्टरडे, तो स्टाफ नर्स नोट करती है कि हीमोग्लोबिन तो भाई उसका 8.2 ही है, तो नर्स का बेस्ट एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, नोटिफाई द चार्ज नर्स एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन बी इरिगेट द कैथेटर विद 30 ml नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट द असेसमेंट इन द मेडिकल रिकॉर्ड, ऑप्शन डी प्रिपेयर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक क्लाइंट है जिसका कि टीओआरपी हुआ था यस्टरडे, देन उसके बारे में भाई नर्स नोट डाउन करती कि उसका हीमोग्लोबिन 8.2 है, तो यहाँ पे नर्स का बेस्ट एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं, समझने करना कोशिश, नोटिफाई द चार्ज नर्स नो, ऑप्शन बी इरिगेट द कैथेटर विद 30 ml नो। तो भाई इरिगेट कब करते हैं कमेंट करके बताओ, इरिगेट कब करते हैं अगर कोई ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं या फिर ब्लीडिंग दिख रही है उस केस में, टीओआरपी के केस में तभी इरिगेशन किया जाता है, तब अगर ब्लीडिंग का केस है या ब्लड क्लॉट्स अपीयरेंस हो रहे हैं करने के बाद उस केस में इरिगेशन किया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्रिपेयर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज ऑफ डेफिशिएट इन एचबी लेवल, दैट इज व्हाई डी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, देखते आप में से इजी क्वेश्चन है कौन सही दे पाता आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेनिफिशियल टेक्निक ऑफ यूजिंग कीमोथेरेपी विद अ कोर्स ऑफ रेडियोथेरेपी इन हेड एंड नेक मैलिग्नेंसीज, ऑप्शन ए नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी कंकरेंट कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी अल्टरनेटिंग कीमोथेरेपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझे, मोस्ट बेनिफिशियल टेक्निक ऑफ यूजिंग कीमोथेरेपी कोर्स ऑफ रेडियोथेरेपी, मतलब रेडियोथेरेपी के साथ में कौन सी कीमोथेरेपी की टेक्निक
सबसे बेस्ट होती है इन हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी केस में? तो गैस करें एंड कमेंट करें, देखते आप में से कौन सही जवाब दे पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कनकरंट कीमोथेरेपी। अगर आप रिमेम्बर कर ले, अगर कीमोथेरेपी के साथ में रेडियोथेरेपी भी चल रही है तो उस चीज को हम बोल देंगे कनकरंट कीमोथेरेपी। दो चीजें एक साथ चल रही हैं तो भाई उसको तो मतलब कनकरंट चल रही है, पैरेलली चल रही हैं दो चीजें, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अगेन वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिग्नेंट ट्यूमर इज रेडियो रेजिस्टेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर इज रेडियो रेजिस्टेंट? ऑप्शन ए एविंग सार्कोमा, ऑप्शन बी रेटिनोब्लास्टोमा, ऑप्शन सी ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन डी न्यूरोब्लास्टोमा। तो भाई यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि रेडियो रेजिस्टेंट है वो आपको बताना है। प्लीज आप आई थिंक सभी इसका जवाब दे सकते हैं, तो कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रेडियो रेजिस्टेंट। और अगर यहाँ पे रेडियो सेंसिटिव पूछ लिया जाता क्या होता, कमेंट करके बताएं। रेडियो सेंसिटिव पूछ लिया जाता मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है डिसजर्मिनोसा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग टेक्निक गिव मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्बर एक्सपोजर टू द क्लाइंट? कौन सी ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जो कि मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर क्लाइंट को देती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी बोन स्कैन। तो प्लीज आपको 5 सेकंड दे रहा हूं मैं, कमेंट करके बताएं, देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो कौन सी इमेजिंग टेक्निक जो कि सबसे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर देती है क्लाइंट को? कौन सी ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोजर रेडिएशन देती है क्लाइंट को? फटाफट बताओ, कमेंट करो। तो भाई यहां पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सीटी स्कैन गिव्स मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर टू द क्लाइंट। सो सीटी स्कैन याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली क्वेश्चन है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, क्लिनिकल क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको कैसी वीडियो लगी हमारी कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, और हमारे को फीडबैक भी दें ताकि हमारी जो कमी है वो हम सुधारें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, पास में लगी बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग क्विज के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।